Welcome to Shortcut Children. This is Shine sir, and today we are going to study chapter number 1 from our snapshots book. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. I've already explained this chapter in my first video, earlier video, so you can refer that if you have not yet seen my video. Now in this video we are going to discuss about the question answers of this chapter. So let's see first question. You will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what is your opinion makes it interesting? ये जो प्रश्न है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको अपने ओपिनियन के बारे में बताना है, अपने व्यू के बारे में बताना है कि इस स्टोरी के अंदर वैसे कुछ ज़्यादा एडवेंचरस या एक्साइटिंग एक्शन नहीं है, मतलब कुछ भी वैसे खास नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंपल स्टोरी अबाउट अ ट्राइब एंड द टू चिल्ड्रन दैट बिलोंग्स टू दैट ट्राइब. और किस प्रकार से उन्होंने वो घोड़ा चुराया अपनी फैमिली का, अपनी ट्राइब का, वो एक जो सिस्टम था उन्होंने उसको तोड़ा, और उसके बाद उनको अंदर से रियलाइज़ भी हुआ कि हमने ये गलत किया है, और उन्होंने उस घोड़े को वापस कर दिया. लेकिन इसके बावजूद ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको देखने में काफ़ी मज़ा आया. तो ये स्टोरी जो है ये क्यों इतनी मज़ेदार है, ये आपको अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में इसको लिखना है. सो यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर वर्ड्स टू राइट दिस, आप अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से. तो क्वेश्चन जो है पहले उसमें क्या पूछा गया वो हम देखते हैं कि बच्चों ने जो घोड़ा था वो वापस किया, उसका कारण क्या दिया कि उनकी अंतरात्मा, उनको अंदर से आवाज़ आई कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी ट्राइब का जो एक जो पुराने समय से जो हमारी ट्राइब की जो साख है वो हम मिट्टी में मिला रहे हैं, क्या उनके अंदर से इस तरह से उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दूसरा इसमें कि देवर अफ्रेड, कि क्या वो डर के मारे ऐसा कर रहे थे. अब इन दोनों में से जो भी चीज़ थी हमें वहाँ पर लिखनी है कि क्या डर के कारण था ऐसा या फिर उनकी अंतरात्मा ने उनको झकझोरा. अब इसके लिए हम देखते हैं द मोस्ट ब्यूटिफुल एसेंस ऑफ दिस स्टोरी इज़ द फैक्ट दैट द बॉयज़ वर वेरी इनोसेंट एंड मेंट नो हार्म टू एनीवन. सबसे पहली बात इस स्टोरी के अंदर बताई गई है कि जो दोनों बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे. हमने देखा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाना उनका कोई उद्देश्य नहीं था, देवर इनोसेंट एंड उनका कोई उद्देश्य नहीं था किसी को हार्म करना. देन देवर जस्ट ड्रीमी एंड विश टू राइड अ हॉर्स. वो एक हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षी बच्चे थे, यानी कि उनका सपना था, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी ट्राइब के पास अभी गरीबी में थे वो लोग, लेकिन उनके सपने थे, उनकी इच्छाएं थी. क्या इच्छा थी उनकी? टू राइड अ हॉर्स, एक घोड़ा राइड करने की उनकी इच्छा थी. इट प्रिक देयर कंसाइंस व्हेन दे सॉ द क्लियर हार्टेड फार्मर जॉन बायरो हु डिडंट सस्पेक्ट देम इवन वंस फॉर स्टीलिंग द हॉर्स. अब ये जो उनकी इच्छाएँ थी इसके कारण उन्होंने घोड़ा वो चुरा लिया, समझ लीजिए कि उन्होंने उस घोड़े को ले लिया. लेकिन जो ये उनके कंसाइंस था, उनकी अंतरात्मा को ये चीज़ झकझोर गई, उनकी अंतरात्मा में ये बात चुभ गई कि जो फार्मर था जॉन बायरो वो बहुत ही क्लियर हार्टेड, कितना सच्चे दिल का वो एक फार्मर था, क्योंकि उसने एक बार भी सस्पेक्ट नहीं किया, एक बार भी उनके ऊपर शक नहीं किया कि उन्होंने घोड़ा उसका चुराया है. जैसे कि मैंने स्टोरी में आपको बताया है कि जो घोड़ा जब रास्ते में जॉन बायरो उनको मिलता है तो वो देखता है कि ये घोड़ा तो हूबहू उसके घोड़े के जैसा ही है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसी के घोड़े का हमशक्ल है या उसका जुड़वा भाई है, लेकिन एक बार भी उसने उनके ऊपर शक नहीं किया, क्योंकि वो जिस ट्राइब से बिलोंग करते थे उनका उस ट्राइब के अंदर चोरी तो महापाप माना जाता था. दे वर नॉट अफ्रेड बट वर गिल्ट स्ट्रिकन. वो डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनको डर किस बात का था. दे वर नॉट अफ्रेड बट गिल्ट स्ट्रिकन. उनको अंदर ये चीज़ खाई जा रही थी, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने अपने जो ट्राइब है उसका नाम मिट्टी में मिलाया है, और एक प्योर हार्टेड मैन, यानी कि जो प्योर हार्टेड सोल था, यहाँ पर बात की जा रही है जॉन बायरो जो किसान था जिसका घोड़ा था, उसके बारे में हु कुडंट इवन थिंक ऑफ पीपल ऑफ देयर क्लैन स्टीलिंग. वो इतना सीधा था कि वो स्टीलिंग के बारे में बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाया कि ये घोड़ा. अब ऑब्वियसली अगर हम उनकी जगह होते, जॉन बायरो की जगह अगर हम होते तो हम क्या करते इस सिचुएशन में? हमें तो कहीं अपने जैसी जरा सी कोई चीज़ दिख जाती है तो भी हम सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये चीज़ तो मेरी है, फिर भले हमें बाद में क्लियर होता है कि नहीं भाई ये चीज़ इसकी ही है, लेकिन यहाँ तो घोड़ा जो है वो हूबहू उसी का घोड़ा था, लेकिन फिर भी जॉन बायरो के मुँह से एक बार नहीं निकला कि ये घोड़ा मेरा है.
even after he said it was confirmed that the horse resembled his, just like twins. The children might have also been afraid of ruining the prestige and honor of their families. अब यहाँ पर जो घोड़े की बात की जाए तो घोड़ा उसके घोड़े के जैसा ही लग रहा था, जॉन बायरो के घोड़े के जैसा ही था वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों घोड़े ट्विंस हों, यानी कि वो जो घोड़ा था वो जॉन बायरो के घोड़े के जैसा ही था। और बच्चे इस बात से भी थोड़ा डर भी गए थे कि उनकी जो फैमिली की जो प्रेस्टीज थी, जो उनकी इज्जत थी, जो उनका जो रुआब था, जो रुतबा था, जो उनका सम्मान था उनकी फैमिलीज का, वो सब मिट्टी में ना मिल जाए। इस कारण से वो काफ़ी डर भी गए थे, इस कारण से उन्होंने उस घोड़े को वापस करने का फैसला किया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम द स्टोरी बिगिंस इन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको ऑन ही लिखना है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है ये मैं एक क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा एक आइडिया आ जाए कि आपको किस प्रकार से लिखना है। इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर द आंसर ऑन देयर ओन, आपको खुद ही आंसर लिखना है। वी आर अ स्मॉल हैप्पी फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेम्बर्स, लकीली वी शेयर्ड अ कॉमन हॉबी ऑफ ट्रैवलिंग, वी वर इन द लैप ऑफ हिमालय समवेयर नियर रानीखेत इन द गढ़वाल रेंज व्हेन सडनली माय पेरेंट्स सजेस्टेड दैट I should study in a residential school there. I seemed extremely elated with a fantastic idea. Years later, when I was in grade 7, my parents started searching for a good boarding school where they could get me admitted for my further studies. I didn't have words that could describe my exact feeling at that point of time. I was very happy as well as equally scared at the very thought of living separately from my family. I knew this very well then. By then, this would be a final farewell from my home and my family. Further studies, college, and now in job, I have always gone back home on vacations and had a very great time. But I have always been very aware deep inside that I was a boarder and had to leave within a few days. I never knew where the towel was hung when the milkman came. When my mother sat down to have her evening tea, nothing. I did not even find it necessary to know all these minor details because I knew one thing for sure, I was a guest for merely a week, so why to bother? अब यहाँ पर वो बच्चा जो है जिसने भी ये आंसर जैसा भी प्रिपेयर किया गया है उसमें बच्चे ने बताया कि वो एक बार जब ट्रैवलिंग के लिए वो जाते हैं, उनकी फैमिली को शौक है ट्रैवलिंग का, तो जब हिमालयस की तरफ वो ट्रैवल कर रहे हैं तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे को यहाँ पर हम एडमिट करेंगे किसी स्कूल के अंदर, किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, बोर्डिंग स्कूल में। और बच्चा उस ख्याल से बहुत खुश हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ वो काफ़ी घबरा भी जाता है, वो डर भी जाता है क्योंकि वो फैमिली से अपार्ट नहीं होना चाहता, वो उस फैमिली से दूर नहीं होना चाहता और आई होप कि कोई भी नहीं होना चाहेगा। तो वैसे वो बच्चा थोड़ा घबरा भी जाता है। अब उसे पता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, उसको वो तो घर में कुछ ही दिनों का मेहमान है इसलिए उसके घर की एक्टिविटीज़ के अंदर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वो घर की एक्टिविटीज़ जो भी है, घर में कौन कब आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, उससे बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है अभी, क्योंकि वो इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता क्योंकि वो इस घर के अंदर अब कुछ ही दिनों का मेहमान है इसलिए वो इसके बारे में बॉदर नहीं करना चाहता। तो ऐसा ही कोई भी इंसिडेंट आप अपने जीवन से लिख सकते हैं या फिर आप फोन भी बनाकर लिख सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन आर्मेनिया, मोराद एंड आरम आर मेंबर्स ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, नाउ लोकेट आर्मेनिया एंड असीरिया ऑन द एटलस एंड प्रिपेयर राइट अप ऑन द गैरोग्लेनियन ट्राइब्स, यू मे राइट अबाउट पीपल, देयर नेम्स, ट्रेड्स, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स एज सजेस्टेड इन द स्टोरी। अब यहाँ पर आपको एटलस की मदद से, यानी कि मैप बुक जो रहती है उसकी मदद से आपको आर्मेनिया को लोकेट करना है कि वो कहाँ पर है, और उसके बाद जो गैरोग्लेनियन ट्राइब जो है जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है स्टोरी के अंदर, जिनके बारे में हमने इन दोनों बच्चों के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम, जो कि इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हमें इस ट्राइब के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी हैं। तो चलिए ये भी आपका ओन ही लिखने वाला आंसर है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन दिस ऑल्सो। Here are few words to describe the Garoglinian tribes. This entire concept of the existence of this tribe is said to be
fictitious. It's said to be formed by William Saroyanin's book My Name is Aram. तो सबसे पहली बात की जो ट्राइब की बात की गई है, ये ट्राइब एक्चुअल में है ही नहीं, ये काल्पनिक है. और इस ट्राइब को जन्म दिया है इस चैप्टर के लेखक विलियम सैरोयन ने, जिनकी किताब थी माई नेम इज़ आरम, जो कि 1940 में लिखी गई थी. द गैरोग्लेनियन ट्राइब इज आर्मेनियन. द कल्चर ऑफ दिस पीपल नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी. जैसा हम अब जब हमें पता लग गया कि ये जो ट्राइब है ये है ही बिल्कुल काल्पनिक, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में से सब कुछ हमें लेना पड़ेगा. तो पहली बात बताई गई है कि इन लोगों के जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इनकी ऑनेस्टी. सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए जो चीज़ मायने रखती है वो मायने रखती है इनकी ऑनेस्टी, इनकी ईमानदारी. इज़ एट द हार्ट ऑफ द स्टोरी. हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द आर्मेनियन कल्चर. तो आर्मेनियन कल्चर के बारे में हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो मेहमान नवाजी रहती है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया, क्योंकि जब भी इनके घर में कोई आता है तो इनकी मदर जो है बड़े आदर सत्कार से उनकी सेवा करती हैं. सोशल गैदरिंग्स रिवॉल्व अराउंड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड. तो सोशल गैदरिंग्स के बारे में भी कुछ कह सकते हैं हम कि उनकी ये जो ट्राइब है सोशल गैदरिंग्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं. द रिलीजन ऑफ मोस्ट आर्मेनियन पीपल इज़ क्रिश्चियनिटी. और आर्मेनिया के ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं. विच इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड फोकस ऑन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस. और जो क्रिश्चियनिटी है वो टोटल बिलोंग करती है, टोटल जो बेस है उसका वो है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस यानी कि पापों के लिए क्षमा, और स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस यानी कि सहन शक्ति. तो ये जो ट्राइब है ये पूरी की पूरी पापों की क्षमा के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को काफ़ी जल्दी, यानी क्रिश्चियनिटी कहती है कि हमें क्षमा कर देना चाहिए. वैसे तो हर एक धर्म में लिखा है कि कोई भी पापी है उसको उसके पापों के लिए हमें क्षमा कर देना चाहिए, बाकी सब गॉड का काम है उनको पनिश करना. और इस तरह से हमें सबको क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए जीवन. तो ये जो चार क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए इस चैप्टर के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो है ये सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि उन दोनों ने, बच्चों ने घोड़ा क्यों वापस किया, उसका जो रीज़न था. तो ये क्वेश्चन मोस्टली आपको 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. बाकी तीनों क्वेश्चन जो है दे आर द ऑन रिटर्न क्वेश्चन, उनको आप खुद लिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस नहीं है उनका पूछे जाने का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.